लोकतंत्र कमजोर हो जाए, लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है, हो जाएगा, हो चुका है वो। आप सोच के देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें सुप्रीम कोर्ट का यूज, हम जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मीटिंग करी और फिर यहाँ पे एक सेकंड देखिए, समाजवादी वाले भैया हाथ उठाए खड़े हैं। हाँ जी, पहले देश में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 614 करोड़ चंदा आया, विदेशी चंदा लेने के लिए मुंह खोल के खड़े हैं। ये विदेश से आया था? बिल्कुल विदेशी चंदा है, विदेशी। तो ये बताया एडीआर की रिपोर्ट सुन लीजिए। अब फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं, आप लोग युवा में दो महिलाओं को योगी सरकार की पुलिस ने जला दिया, इस पर बात नहीं होगी, मानवता नहीं मरेगी, ये तो योगी जी अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हम कानून व्यवस्था बढ़िया कर दिए। आपकी सारी बात ठीक है बंधु प्रोफेसर साहब, सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, दिक्कत क्या है ना कि डिबेट का मुद्दा कुछ भी हो, ये अपना मुद्दा घर से लेकर आते हैं, ये गजब की बात होती है भाई, ये अपना भाई सुनिए, जब 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 हम बात करते हैं, जब हम यूपी की बात करते हैं, योगी की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, तो आपसे बात करते हैं। हाँ ठीक है, देखिए महिला शक्ति खड़ी है, जरा सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछिए हम बताएं। अब क्या लग रहा है कि ये विदेशी ताकतें हमारे देश में हावी हो रही हैं और कौन है जयचंद हमारे देश का? जॉर्ज सोरोस जो बंदा है उसने सिर्फ हमारे देश पे अब नजर डाली है, क्योंकि एक सेइंग है हिंदी में, कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हम लोग अब जब पावरफुल हुए हैं, अब जब हमारी कोई स्थिति और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई औकात बनी है, तब जाके सबने हमारे ऊपर आंखें डाली हैं कि अब हम इनको डिस्टेबलाइज करेंगे, करने का प्लान पूरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वही बंदा है जिसने थाईलैंड के भात को गिराया, मेक्सिको के वॉल के ऊपर एक प्रॉपर रैली लगाई ट्रंप के अगेंस्ट, और ये खुलेआम बोलता है मैं गिराऊंगा, मुझे मुनाफा है, क्या कर लोगे। सो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम भी शेर हैं और शेर को खतरा बाहर से नहीं है, अपने खुद के देशवासियों, जंगल के अंदर वाले जो है उनसे थोड़ा संभल के रहना है। पूरा रिसर्च है मैडम के पास, ऐसे नहीं अपने चाहिए, टीवी में दिखने चाहिए कि इनका रिएक्शन किसकी बात पर क्या है। हाँ जल्दी से बोल, मैं ये बात पर जय श्री राम, मैं एक बात बोलना भूल गई थी, हमारे देश ने कभी भी प्रेशर के अंडर काम नहीं किया, चाहे वो फाइजर की लॉबी हो, वो वैक्सीन के समय पे हो, या हमें वो जॉर्ज सोरोस जो कह रहा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा राष्ट्रीय इंटरेस्ट है, तो हम वही कर रहे हैं जो हमारा मन है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से लोग आएंगे हमें तोड़ने के लिए आएंगे। हाँ भाई साहब, सब पे भारी है मिश्रा जी, देखो वो फूफा जी की तरह पीछे चले गए नाराज होकर, मिश्रा जी ऐसे तोड़ना होता है, मैदान मत छोड़िए, लोकतंत्र तो है, लोग खड़े हैं यहाँ पे, समझ सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, सबसे ज्यादा तो राहुल जी बोले हैं। भैया आप भी सत्ता पक्ष में क्या? ना मैं सत्ता पक्ष है, देखिए कांग्रेस जल्दी बोलिए, वक्त सच्चाई जाना है, बोलिए ना, आप ये बताइए कौन किसने विरोध किया था उस वक्त उस आंदोलन का, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया नहीं किया? अभी आप वही उठ के रहेंगे, आप 47 से पहले रहेंगे 2000? देश में बेरोजगारी है कि नहीं? 140 करोड़ की जनता में 40 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? अब फिर आप बोलेंगे कि मुझे रोक दिया, अब इनके पास एक ही हथियार है, ये भाई साहब ये 70 साल तक देश में क्या हो रहा था, इनके पास एक ही हथियार है, जब भी बात करो बेरोजगारी, सड़क,